Qureshi with Discover Exclusive. Today, I thought to discover my own city, Lahore, which is very close to my heart, that is also called the City of Gardens. But Lahore ki kuch masail bhi hain. Due to unplanned development and urbanization, hamara shahar bahut wasi hota ja raha hai. But no one wants to leave Lahore. To kya hukumat aise kuch ikdamat kar rahi hai, jo ki Lahore ke future ke masail ka hal ho, or maybe a new city जो के साफ हो, पोल्यूशन फ्री हो, प्लान्ड हो और जहां से लाहौर तक फ्यू मिनट्स में हम पहुंच सके. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट. As we have talked about the problems of Lahore and a futuristic city, so I thought to visit Ravi Urban Development Authority, जो कि दरियाए रावी के साथ साथ एक इंतहाई खूबसूरत शहर आबाद करने जा रहे हैं. ये शहर कैसा होगा, क्या इस पर कोई काम शुरू हुआ है कि नहीं, इसकी प्लानिंग कैसे जारी है, इसी बात को जानने के लिए अंदर चलते हैं. So let's go with me. अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है. वेलकम टू आप. आप आप कर रहे हैं? बताइए क्या हो रहा है. रूडा कहाँ आपने रुक किया? खैरियत से. बस मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात की जाए और जाने कि क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं आज. हम तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्शन कर रहे हैं प्लॉट्स. अच्छा, चार बाग डिस्ट्रिक्ट. हमारी चार बाग डिस्ट्रिक्ट है, द सूक डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, ये तो चार बाग इज नॉट नियर दिल्ली और समवेयर? नो, फॉर गॉड सेक, इट इज सो क्लोज बाय. अच्छा, रियली कहां पर है? जस्ट 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्लेस. ओके, एंड आई वुड सजेस्ट यासिर जी. एब्सोल्युटली, ये जो कांसेप्ट है इनके तो क्लियर करने चाहिए ना. जी जी, बिल्कुल. एब्सोल्युटली, नाम ऐसा है ना कि लगता है जैसे हम दिल्ली. इट्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी नियर बाय. इनको ले जाएं वहां. बिल्कुल जी, चलिए आइए, मैं आपको लेके जाता हूं. आप इनको ले जाएं जी. इजाजत सर, थैंक यू सो मच जी. हैव अ राउंड ऑफ दैट. थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. साइट ऑफ चहार बाग, और जिस तरह से मुझे बताया गया था कि रिंग रोड से उतरते ही, रिंग रोड पे चढ़ते ही एक्चुअली बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पर हम चहार बाग होंगे. सो वी आर एक्चुअली हियर इन 5 मिनट्स. सो यासिर, ये बताइए कि हम यहाँ तो आ गए, अभी यहाँ पे हम लोग काम भी देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हो गई है. सो अभी आप लोग किस फेज में हैं अपने प्रोजेक्ट के? रूडा का ये फेज 1 है, ठीक है, जिसका ये चहार बाग हमने सेल्फ डेवलप्ड, हमारा प्लान है, ठीक है. और उसी के अंदर इसी लोकेशन पे जो हम सूक डिस्ट्रिक्ट चहारबाग का ऑक्शन कर रहे हैं, वो भी यहीं पे होगा, ठीक है. हमने 10 वल्लाज एंड 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी सेल किए हैं. वेरी नाइस, दे आर ऑलरेडी सोल्ड. जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर 85% हमने बैलेटिंग करवाई, उसके अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गई, डाउन पेमेंट भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह. और यहाँ पे हम कॉन्डोमिनियम्स भी बना रहे हैं, आता है अलमगीर. So all of this is going to be here, and inshallah you'll see it within the few years, couple of years to be exact. This entire landscape is going to change. Very nice. Modern, majestic Punjab, inshallah. Very nice. और जिस तरह से हम बात पहले भी कर रहे थे, and बिल्कुल लाहौर के साथ एक नया शहर आबाद होगा, जो कि sustainable होगा, eco friendly होगा. इसमें बहुत सारी वो चीजें होंगी एक्चुअली जो कि हम इंटरनेशनली देखते हैं. पाकिस्तान से बाहर जो मुल्क हैं, जो अब एक्चुअली इन चीजों पर काम कर रहे हैं कि जिन शहरों में हमने रहना है वो हमारे रहने के काबिल हो और प्लान्ड हो, डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा प्लान्ड हो. इन सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, जिसमें हम एनर्जी जाया ना करें, हम ऐसे काम ना करें जिससे एनर्जी जो है वो क्राइसिस डेवलप हो. सो मेरे ख्याल है ये तमाम चीजें यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेक श्योर किया है. जी एब्सोल्युटली, ग्रीनरी हमारी एक प्रायोरिटी है जी. हमने फॉरेस्ट भी रखे हैं. वेरी नाइस, फॉरेस्ट वुड बी देयर. जी हाँ एब्सोल्युटली, इन रूडा हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, क्योंकि हमने पानी को साफ करना है आगे जाने के लिए. सो ग्रीनरी इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ रूडा. एब्सोल्युटली,
द विजन ऑफ आवर सीईओ इज दैट हम मेक श्योर करें कि हमारी सस्टेनेबल ग्रीन एनवायरनमेंट दें हम अपने रेजिडेंट्स को, ताकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो सके. प्लस हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं, हम वेस्ट टू एनर्जी डाल रहे हैं बीच में. सोलर से लेके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इट्स गोना बी हियर, इट्स पार्ट ऑफ अस एंड इट इज गोना बी द बैकबोन ऑफ रूडा इंशाल्लाह. वेरी नाइस. सो रूडा के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं ऑब्वियसली, बट दे डिडंट नो कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो किस तरह होती है. सो दैट इज सो ग्रेट कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को बकायदा देखा है. मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि क्विक एक्सेस हो. एब्सोल्युटली. इस जगह से कौन कौन से ऐसे मेजर स्पॉट्स हैं जहाँ से वो बहुत क्विकली एक्सेस कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम लोग अभी लाहौर से निकले हैं, विद इन 5 मिनट्स हम लोग पहुंच गए. यहाँ से अगर हम जब वापस, मेरे ख्याल वैसे तो इन सारी एरियाज को लाहौर ही कहना चाहिए. जी जी एग्जैक्टली. सो जिंदा दिला शहर जी. सो यहाँ से जब हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह अरूडा के हेड ऑफिस जो की लाहौर में है, 3 मिनट्स हम लोग कनाल रोड पे पहुंच जाएंगे. वाओ. एंड इफ यू गो आउट एंड गो टुवर्ड्स द राइट, आपके 3 किलोमीटर के अंदर आपका सियालकोट मोटरवे भी मौजूद है. वाओ. सो वो आपसे एक्सेस लेके आप इस्लामाबाद जाइए, आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है जी. So location, location, location is what real estate is all about. Yes. And location, location, location is what Chahar Bagh is about. Chahar Bagh. And Chahar Bagh ke baare mein jis tarah se naam is very unique. Alhamdulillah. So Chahar Bagh ye naam kaise design kiya gaya? What was the concept behind it? जी चहार बाग इज बेसिकली इट्स इन मुगल एरा का ये है. जैसे कि हमें लगा था शायद दिल्ली में कोई जगह. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और चहार बाग मींस 4 गार्डन्स. Wow. So, वही कॉन्सेप्ट है बिकॉज मुगल्स यूज्ड टू कम टू लाहौर ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज दिल्ली की सर्दियां बहुत सख्त होती थी. सो दैट्स वेयर दे केम इन. अब हम वही रिवाइव कर रहे हैं कि हमारे लाहौर के शहरी, हमारे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के, व्हेनेवर दे आर कमिंग, दे आर ट्रैवलिंग, सो दिस इज द प्लेस वेयर दे कैन स्टे. एयरपोर्ट इज ओनली 10 मिनट्स अवे. आपके ओवरसीज पाकिस्तानी, दे कम हियर, दे स्पेंड टाइम इन देयर हाउस अनपैकिंग, अगले दिन रेस्ट होके फैमिली से मिले, एंड देन व्हेन दे डन विद देयर बिजनेस, हां जी 10 मिनट्स में एयरपोर्ट पे, एंड देन गो बैक टू देयर कंट्रीज. सो जिस तरह से हम पहले सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे, इको फ्रेंडली होने के ऊपर बात कर रहे थे, सो आई एम श्योर कि यहां पे ये तमाम तरह चीजों को हम देख सकेंगे. थोड़ा सा डिस्टेंस है, क्लीन एनवायरनमेंट, ये तमाम चीजें यहां पे इंश्योर होंगी. जी एब्सोल्युटली. और दूसरा, क्योंकि हम इसको हाई राइज पे लेके जा रहे हैं, हमारे सीईओ साहब का विजन ही यही है, इसलिए जो कमर्शियल प्लॉट्स की हम बैलेटिंग ऑक्शन करने जा रहे हैं, द सूक डिस्ट्रिक्ट, उसको हमने 150 फीट पे चढ़ाया हुआ. अच्छा. सो वो आपके 13 से 14 फ्लोर आप ऊपर जाएंगे. अच्छा. विद द FAR ऑफ 1:7 व्हिच इज एक्सीलेंट एंड अनहर्ड ऑफ अराउंड दिस एरिया. सही. प्लस यहाँ पे हम कॉन्डोमिनियम्स भी बना रहे हैं जो कि हाई राइजेस होंगे, ताकि हम इस तरह फैलने की जगह हम वी आर गोइंग अप टू द स्काइज. अच्छा, दैट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. हम दुबई को इस तरह देखते हैं, तो दुबई ने एक छोटी सी जगह पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई है, और उससे बहुत ही बेहतर इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा लोग कम जगह पे आ सकते हैं. बिल्कुल. तो कितने लोगों के लिए बेसिकली, कितने लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो फायदा देगा? एग्जैक्टली. हमारे पास मौजूदा जो अभी है प्लॉट्स, उसके अंदर हम रेजिडेंशियल हमने 10 मरले और 1 कनाल के रखे हुए. सो बेस्ड ऑन दैट, ये आराम से आपके कहीं से 10,000 से 20,000 के रेजिडेंट्स आराम से आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे. Wow. प्लस जो कॉन्डोमिनियम्स हम दे रहे हैं, प्लस जो हम ये मिक्स यूज बनाएंगे उसके अंदर, सो ऑल ऑफ दिस इज फोकस्ड ऑन दैट. वेरी नाइस. तो यानी कि छोटी सी जगह पे मैक्सिमम लोग. जी हाँ. इन अ क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट. बिल्कुल. स्कूल होगा आपका, हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, तो आपको एक प्रॉपर कंपाउंड, एक कम्युनिटी मिलेगी चहार बाग के अंदर. वेरी नाइस. और चहार बाग के बाद बाकी फेजेस का आगाज होगा जो कि लेटर ऑन प्रोजेक्ट्स में सामने आएंगे. ये रूडा का सेल्फ प्लान्ड, सेल्फ डेवलप्ड चहार बाग है. ठीक है. उसके आगे फिर डिफरेंट फेजेस में हम जाते जाएंगे, विच डिफरेंट सिटीज हैं वो. सो रूडा की ये साइट चहार बाग, यहाँ पर हम मौजूद थे और इसकी तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है. जो यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी बैलेटिंग अब यहाँ पे होने जा रही है, और उस कमर्शियल एरिया के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. जी हाँ. सो कमर्शियल, एज सून एज यू एंटर चहारबाग, ठीक है, आपके पास पार्क्स होंगे ऑन बोथ साइड. ठीक है. और उसके बाद फौरी आपकी ये ढाई कैनाल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, राइट, जिसको हमने 150 फीट हाइट दी है, और इसका ऑक्शन इंशाल्लाह 21 दिसंबर 2022 को करेंगे. अच्छा. इन लाहौर इंशाल्लाह. सो मेरे ख्याल है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको तैयार रहना चाहिए यहाँ पर आने के लिए, बिकॉज़ इट वुड बी अ ग्रेट फैसिलिटी फॉर देम. जी हाँ. और इन्वेस्टर्स के लिए हमने इसको
4 ईयर पेमेंट प्लान पे बनाया अच्छा। है और फैसिलिटेट करने के लिए अब सिर्फ 25% पे आपको हम मार्केटिंग राइट्स दे देंगे, पोजीशन दे देंगे, यू कैन स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट योर बिजनेस। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि बहुत से फाइल्स जब हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर देख रहे होते हैं तो फाइल्स सेल हो रही होती है, नोबडी नोस के ये लैंड है कहाँ पे। सो द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज हियर इज द लैंड, ये उस लैंड पे काम हो रहा है, यहाँ पे पीछे इज द रेजिडेंशियल एरिया राइट, और यहाँ पे आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। एब्सोल्युटली, और हमने सीईओ साहब का ये विजन है जो कि मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, इसलिए लोगों का ट्रस्ट हम में है कि जो प्लॉट्स हमारे पास है हम आपको सिर्फ फाइल वगैरह नहीं दे रहे, वही प्लॉट नंबर आपको उसी वक्त असाइन कर दिया जाता है। दैट इज ग्रेट, वो किसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी नहीं है। इस तरह नहीं है कि हमारे पास प्लॉट सिर्फ 100 पड़े हैं, हमने फाइलें ज्यादा बेच दी, नहीं। व्हाटएवर वी हैव इज दैट्स व्हाट वी डूइंग, एंड सेम थिंग ऑक्शन जो है वो उसी तरह हम इसको बिल्कुल शफाफ ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, एंड ओनली पीपल विल बी अलाउड इज द ऑक्शनियर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे, बट एनीवन कैन वॉच इट लाइव ऑन फेसबुक। सबसे अच्छी बात तो ये है इस साइट के हवाले से कि जो ये दिखा रहे हैं वो ही ये सेल कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस साइट को विजिट करके और चहारबाग के बारे में जान के, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि हम पूरे सूबे से इस एक जगह से कनेक्ट कर सकते हैं विच आई बिलीव, और लाहौर के तो बिल्कुल साथ है, रिंग रोड से आप उतरते ही यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट। और रूजा के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस जगह के बारे में हम आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करेंगे, सो स्टे विद मी। Given you an overview of the Souk District Chaharbagh, और हमने आपको ये विजिट भी करवाया। अब इस विजन के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं CEO रूजा इमरान अमीन, और उनको वेलकम करते हैं शो में। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने विजिट भी किया, बहुत ही बेहतरीन जगह है, इसका विजन क्या है, क्या आपके प्लानिंग हैं इसको लेकर? अब चहारबाग एक कॉम्पोनेंट है रूडा के ओवरऑल मास्टर प्लान का, जिसमें हम रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ एक नए ग्रीन स्टैंडर्ड्स पे डेवलप करना जा रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा जो इसकी रोड की एंट्री है, जो इसमें पार्क्स हैं, वो ऑलमोस्ट हर 5-10 घरों के बाद हमने उनको शॉप्स इसके अलावा पार्क्स की सहूलत दी थी, और उसका ओरिजिनल यही मकसद था कि हम एक ऐसी ग्रीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली कम्युनिटी डिवेलप करें जो कि एक मॉडल कम्युनिटी बने फॉर अदर्स टू फॉलो। हमारा प्लान यही था कि हम एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करें, ऑलमोस्ट दिस इज 2000 कनाल एज वेल, तो इंशाल्लाह यही हम स्टैंडर्ड्स लेके जाएंगे बाकी कम्युनिटी की तरफ। अच्छा सर, तो आप अभी आप 8 कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो ऑक्शन करने जा रहे हैं द सूक डिस्ट्रिक्ट चहारबाग में, सो उसकी भी हमारे साथ कुछ डिटेल्स शेयर करें। सूक डिस्ट्रिक्ट एक पहला कमर्शियल वेंचर है जो चहारबाग में लॉन्च हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका FAR 1:7 है, मतलब आप 150 फीट तक जा सकते हैं। अच्छा, और इसमें हमने हमारे बायलॉज जो हैं, जनरली बायलॉज पाकिस्तान की अथॉरिटी में लैंड यूज़ की बेसिस पे होते हैं, हमारे जो बायलॉज हैं वो सारे सॉफ्ट कोर्ट के ऊपर हैं। सॉफ्ट कोर्ट से मतलब कि आप कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी अंदर एप्लीकेबल जो लीगल कमर्शियल एक्टिविटी है वो वहाँ कर सकते हैं। हम इंटरनल आप पे कोई बारिंग नहीं लगा रहे कि आप किस तरह अपने फ्लोज की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे जो ज़्यादा बायलॉज हैं, फॉर्म बेस्ड बायलॉज, वो बाहर की इन्वायरमेंट, उसके SOPs, जो उसके फायर रेटेड हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उधर, उनको उन्होंने अडहर करना है, और उसके अलावा हमने उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, एंड आई होप इंशाल्लाह इट बी अ वेरी गुड सक्सेस। अच्छा, लास्टली हम बात करेंगे रूजा के हवाले से, ये रूजा एग्जैक्टली है क्या और इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? रूडा देखें, एक ट्विन सिटी लाहौर के साथ बनाने का मकसद ये था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एक ऐसा प्लान्ड डेवलपमेंट बने जहाँ पे जो अभी अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके पास डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स, डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट आबादियाँ इसी तरह फैलती जा रही हैं अनप्लान्ड, एंड यही अनप्लान्ड अथॉरिटी या आबादियों की वजह से
इश्यूज आता है जहाँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा स्ट्रेस आता है। तो रूडा में जो हमने मास्टर प्लान बनाया उसको हमने 35% ग्रीन रखा और बाकी जगह में अलाउ किया कि आप डिफरेंट जोन्स उसके बनाकर थीमेटिक जोन बनाकर और हमने अलाउ किया कि इसमें आप ये उसको यूज़ कर सकते। तो हमने उसकी यूजेज अलाउ किए। तो फॉर इंस्टेंस अगर हाउसिंग स्कीम्स आती हैं तो देर आर जोन्स इन विच दे कैन कम इन और हमारे बायलॉज हमारे जो प्लानिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक परमिशन लेकर वो लोग वहाँ बना सकते। राइट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू कर्टेल ऑल दीज अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो इलीगल डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनको हम ख़त्म करें और इसको प्रॉपर प्लानिंग करके इसको लाएं। नंबर सेकेंडली हमारा जो बेसिक इसका मकसद था वो था डाइंग रिवर और इन्वायरमेंट का इशू। अब आप दरिया लाहौर का जो रावी है वो अभी इसको जहर लू दुनिया का सबसे पॉइजनस रिवर कहा जा रहा है बिकॉज इसमें पॉसिव फार्मास्यूटिकल भी आ रहा है इसमें सीवेज भी जा रहा है इसमें बाकी भी सारे जो भी गंदा मवाद है उसमें जा रहे हैं। इसके साथ हमने 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्लान किए हैं और अच्छा। ये म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर पहले मैकेनिकल प्लांट्स होंगे। उसकी लैब टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। उससे ये होगा कि इस वाटर को फिल्टर करके हम फिट फॉर एक्वेटिक लाइफ यहाँ दरिया में डालेंगे। अच्छा, ये तकरीबन लाहौर से कोई 100-120 क्यूसिक वाटर नालों से जा रहा होता है जो कि इस दरिया में गिर रहा होता है। ये सारा ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे 3 बिराजेस प्लान किए हैं इस रिवर के ऊपर। 3 बिराजेस की वजह से 2.7 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे कंजर्व होगा। अब जब क्लीन वाटर कंजर्व होगा इस एरिया में एक तो ये लेक बन जाएगी रिवर टाइप तो आपको एक रिवर फ्रंट प्रॉपर नजर आएगा। नंबर सेकेंडली उसी क्लीन वाटर की वजह से जो आपका एक्वाफेयर का भी इशू चल रहा है और जो हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा 3 हमारे जो हमने इसमें फॉरेस्ट्स हमें जो मिले हैं उसको हम रीप्लान कर रहे हैं उसको इंडिजिनस ट्रीज के साथ दोबारा फॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा मकसद ये है कि इसे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच एंड दिस इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। अब अगर हम अब नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी नहीं कर सकें और लाहौर की पोल्यूशन कभी भी खत्म नहीं होगी। थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई एम श्योर एंड वी आर वेरी होपफुल कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो और लाहौर में जितना स्ट्रेस है वो आपका ये प्रोजेक्ट कम कर सके। थैंक यू सो मच। हम चहार बाग की बहुत ही बेहतरीन साइट विजिट करके रूडा वापस आ चुके हैं और जब हम किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं किसी नए सिटी के हवाले से बात करते हैं सो एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन होती है वो होती है जॉब क्रिएशन। और कैसे लोगों को आम लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास EDHR मौजूद हैं रूडा के और इनका नाम है राशिद तराबी। उनसे बात करते हैं वो हमें बताएंगे कि जब भी हम किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं एक नए सिटी की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं सो इटसेल्फ जो लोग बना रहे हैं उनके लिए तो जॉब्स क्रिएशन हुई है ऑब्वियसली बट जो लोग वहाँ पर आएंगे इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे दीगर लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा। आई थिंक जितनी खूबसूरत साइट आप देख के आई हैं ये सवाल इस वक्त मौजूदा दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रावी का प्रोजेक्ट जो है अराउंड 9 मिलियन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा वहाँ पर। अच्छा। और अगर डायरेक्टली 9 मिलियन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट टू द सोसाइटी तकरीबन अगर एक आदमी पे 5 लोग NSR करते हैं सही। तो आप ये सोचिए कि 4.5 करोड़ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी पंजाब में क्रिएट हो रही है। सो आई पर्सनली फील कि दिस इज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट दैट वी आर ऑफरिंग एंड इंशाल्लाह वी नीड योर सपोर्ट एंड प्रेयर्स कि इस प्रोजेक्ट में हमारा ये पहला खैर से चहारबाग का ये जो इनिशिएटिव है ये अल्लाह मियाँ इसमें बरकत दे और आई एम वेरी मच होपफुल कि इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। और वैसे भी लाहौर को पाकिस्तान को अब फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाएँ जिसमें लोगों का फ़ायदा हो एंड आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत एट लार्ज कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। How
How are you, sir? Alhamdulillah. It's so good to be here. और अभी हमने साइट विजिट की है. I am really excited and really happy to visit that क्योंकि usually हम देख रहे होते हैं कि जब भी कोई भी नई सिटी या स्कीम अनाउंस होती है तो ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, सिर्फ फाइल्स में होता है. But the good thing is there is something on the ground. So little bit of introduction about RUDA. So देखिए, जहाँ पे भी दुनिया में एक certain एक threshold पे सिटीज पहुँचती हैं, which ranges between 25 to 30 years of age. सही. उसमें congestion या एयर पोल्यूशन या यू नो मुख्तलिफ किस्म के फिनोमेनाज हो रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से जरूरत इस अमर की होती है कि बजाय उस सिटी को मजीद और गुंजान आबाद किया या और उसको फैलाया जाए, होता ये कि उसके एडजेसेंट जो है ना वो बनाया जाता है. बिल्कुल. पाकिस्तान में एग्जैक्टली सिमिलर फिनोमेना हुआ. इस्लामाबाद इज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि एक ट्विन सिटी बना. बिल्कुल. यहाँ पे एग्जैक्टली वही फिनोमेना हुआ है. राइट. लाहौर के जितने चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं वही रीजन बने जिसकी वजह से ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी और एक एडजेसेंट टाउन बन रहा है, जो कि तकरीबन इस्लामाबाद से 20% ज्यादा बड़ा है, 1,10,000 एकड़ तकरीबन. सो दैट्स व्हाट द रूडा इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच काशिफ साहब फॉर टेलिंग अस ऑल अबाउट रूडा. इट्स अ न्यू सिटी विद बेटर एनवायरनमेंट, विद बेटर सॉल्यूशंस, जो कि हम अपने लाहौर में देख रहे हैं कि जिस तरह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे इशूज़ जो हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, देखते रहते हैं. एंड द गुड पार्ट इस एक प्रोजेक्ट में उन तमाम प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिलेगा. So, how was the Chahar Bagh? बहुत ही बेहतरीन. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का ये प्रोजेक्ट वाकई सस्टेनेबल है. और जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं ना कि ऐसे शहर आबाद करने हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, साफ सुथरे हो, माहौल के लिए आलूदा ना हो. सो आई एम थिंक ये तो जरूर चहार बाग होने वाला है. जी हाँ, हमारे कलर साहब भी आ गए. बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा रहा. जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि वाकई करीब है, तो जाके अंदाजा हुआ कि बहुत करीब है लाहौर के. अब तो जो सोचो मैं दूर था, अब तो दिल के भी करीब हूं. दिल के भी करीब. ऐसे ही है. थैंक यू सो मच. मिस, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे लिए. थैंक यू सर. इफ यू डू द ऑनर्स प्लीज. थैंक यू सर. फाइनली हमने लाहौर के सबर्ब्स में एक ऐसी जगह तलाश कर ली है जो कि पोल्यूशन फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल नहीं होंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पर बुनियादी जिंदगी की तमाम जरूरियात लाहौर की तरह ही मौजूद होंगी. सो द बेस्ट थिंग इज द सूक डिस्ट्रिक्ट चहार बाग में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इस जमीन से, इस अर्थ से कुछ ले रहे हैं, सो वी हैव टू गिव इट बैक. और वो हम किस तरह कर सकते हैं? इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह के, जो कि ये सिटी बनने जा रहा है. इसी बात के साथ अपनी होस्ट अमर कुरैशी को दीजिए इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.